किचन में अपने काम को आसान करने के लिए हम तरह तरह के टूल्स एंड गैजेट्स का यूज करते हैं और जिनमें मोस्ट कॉमन है वेजिटेबल चॉपर। मार्केट में वैरायटी ऑफ चॉपर्स अवेलेबल हैं और जिन्हें खरीदते समय अक्सर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा खरीदें। तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं स्वाति आज आपके लिए अलग अलग तरह के वेजिटेबल चॉपर्स का रिव्यू लेकर आई हूँ, जिससे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सही वेजिटेबल चॉपर पिक कर सके। सबसे पहले बात करेंगे हम इस तरह के वेजिटेबल चॉपर की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कई ब्रांड्स में अवेलेबल है। फुल प्लास्टिक बॉडी, लिड में लॉक दिया हुआ है, प्योर स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं, 3 ब्लेड्स हैं जो अलग अलग हाइट पर है जिससे चॉपिंग फास्ट और इजी हो जाती है। नीचे सिलिकॉन ग्रिप दी हुई है जिससे यूज करते समय ये हिलता डुलता नहीं है। एक हैंडल दिया हुआ है जो अंदर थ्रेड से बंधा हुआ है, जिसे पुल करने से अंदर ब्लेड्स रोटेट होते हैं और हमारी चॉपिंग होती है। इस चॉपर में आप हर तरह की सब्जी को कोर्सली और फाइनली चॉप कर सकते हैं। चॉपर का साइज छोटा है, नीचे वाला ब्लेड बेस से बहुत पास है और तीनों ब्लेड अलग अलग हाइट पर होने से एक छोटी सी प्याज को भी आप एकदम फाइनली चॉप कर सकते हैं। लीफी वेजीज के लिए क्वांटिटी ज्यादा डालनी पड़ती है क्योंकि इनमें मॉइस्चर काफी ज्यादा रहता है। ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी डालेंगे ना तो ये भी आसानी से चॉप हो जाती है। मैं इस चॉपर को लास्ट 6 ईयर से यूज कर रही हूँ और सेम ब्रांड का ये मेरा दूसरा चॉपर है। प्लास्टिक बॉडी होने से कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है और इसके टूटने का भी डर रहता है। नेक्स्ट जो चॉपर है उसका मैकेनिज्म बिल्कुल पहले वाले चॉपर की तरह ही है। प्योर स्टेनलेस स्टील के 3 ब्लेड्स हैं, नीचे सिलिकॉन ग्रिप दी हुई है, लिड में लॉक है और हैंडल पुल करने से ब्लेड रोटेट होंगे और जो वेजिटेबल्स हैं हमारी वो चॉप होंगी। बस इसका जो कंटेनर है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसमें एक एक्स्ट्रा लिड भी आती है। चॉपिंग के बाद ब्लेड्स हटाकर इस लिड को लगाकर इसमें आप अपनी वेजीज को स्टोर करके भी रख सकते हैं। कंटेनर की जो स्टील की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। प्लास्टिक वाले से थोड़ा सा ये प्राइजी है पर स्टेनलेस स्टील का है, जिससे ये काफी ड्यूरेबल बन जाता है और आप सालों साल इसे यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप पहले की ही तरह सभी तरह की वेजीज को फाइनली और कोर्सली चॉप कर सकते हैं। साइज इसका छोटा होने से थोड़ी सी सब्जी भी आसानी से चॉप हो जाती है। पहले वाले जो दोनों चॉपर हैं उनका मैकेनिज्म सेम है, जिसमें व्यूअर्स की कई बार कंप्लेंट रहती है कि धागा टूट जाता है। ऑल्दो मैं इसे लास्ट 6 ईयर से यूज कर रही हूँ एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली फॉर मी, पर फिर भी अगर आप चेंज चाहते हैं तो आप ये जो थर्ड नंबर वाला चॉपर है उसका यूज कर सकते हैं। ये एक मैनुअल फूड प्रोसेसर है जिसमें चॉपिंग ब्लेड, विस्क के साथ साथ स्लाइसिंग, ग्रेटिंग और जूलियंस के अटैचमेंट्स भी आते हैं। बाकी तो ठीक ही है अटैचमेंट, पर जो चॉपिंग वाला अटैचमेंट है वो काफी अच्छा है। इसमें एक रोटेटिंग हैंडल दिया हुआ है जो नीचे ब्लेड से अटैच्ड है। हैंडल को रोटेट करने पर नीचे ब्लेड्स रोटेट होते हैं और चॉपिंग होती है। स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं। कंटेनर का जो साइज है वो काफी बड़ा है और फूड ग्रेड प्लास्टिक का बना हुआ है। एक हैंडल भी दिया हुआ है जिससे चॉपिंग करते टाइम ग्रिपिंग अच्छी होती है और ये डिटैचेबल भी है। इसमें 2 गियर दिए हुए हैं जो फास्ट और स्लो चॉपिंग के लिए हैं। साथ ही में यहाँ से चॉपिंग करते समय आप एक्स्ट्रा वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ चॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि इसके कंटेनर का साइज काफी बड़ा है। इसमें मैंने मिक्स वेज पराठों के लिए सारी वेजीज को एक साथ चॉप कर लिया है और एकदम फाइन चॉपिंग भी हो गई है। पर कंटेनर का साइज बड़ा होने से इसकी एक लिमिटेशन भी है कि इसमें आप एक छोटी सी प्याज या छोटा सा टमाटर एकदम फाइनली चॉप नहीं कर सकते। चॉपिंग तो हो जाएगी पर एकदम बारीक चॉपिंग नहीं होगी।
मीडियम साइज के 2 से 3 प्याज को आप आराम से एकदम बारीक चॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चॉपर है, इसका मैकेनिज्म पहले वालों से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले इसमें एक हैंडल दिया हुआ है जो नीचे ब्लेड से अटैच रहता है। कंटेनर और इस हैंडल के बीच में एक लिड दिया हुआ है। प्योर स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं। फूड ग्रेड प्लास्टिक का एक छोटा कंटेनर है। साथ ही इसमें एक विस्क अटैचमेंट भी दिया हुआ है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ है। जैसे ही इसे हम अनलॉक करेंगे तो हैंडल जो है वो ऊपर की तरफ खुल जाएगा और इसे बार बार पुश करने पर नीचे ब्लेड्स रोटेट होंगे और जो हमारी वेजीज है वो चॉप होंगी। इसमें भी आप सभी तरह की वेजीज को कोर्स और फाइन चॉप कर सकते हैं। विस्क वाला अटैचमेंट लगाकर आप कड़ी, पकौड़ी, एग्स या कई सारे बैटर्स को बीट भी कर सकते हैं। पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसे बार बार पुश करने में ना थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगता है और चॉपिंग भी पहले वालों के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो होती है। अभी तक मैंने जितने भी वेजिटेबल चॉपर्स आपके साथ शेयर किए वो सभी के सभी मैनुअल चॉपर्स के टाइप थे, जिनमें आपको कई सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। इनके अलावा मार्केट में इलेक्ट्रिक वेजिटेबल चॉपर की भी काफी वैरायटी है जो मैनुअल चॉपर्स के कंपैरिजन में प्राइजी होते हैं, पर इनका ऑपरेशन काफी फास्ट होता है और आप इन्हें एफर्टलेसली यूज कर सकते हैं। इसकी भी प्लास्टिक बॉडी है, स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं, 2 ही ब्लेड हैं, ऊपर हैंडल में मोटर फिट है। सिंपली एक बटन से आप अपनी वेजीज को चॉप कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। इन सभी चॉपर्स में ऑलमोस्ट सभी तरह की वेजीज की चॉपिंग हो जाती है, पर ब्लेड्स की सेटिंग ऐसी रहती है कि वेजीज की कटिंग सिमेट्रिकल नहीं होती जैसा हम नाइफ से कट करते हैं। इसीलिए आप कोई भी चॉपर ले ले, वो आपके काम को आसान करके आपका टाइम तो सेव करेगा पर नाइफ जैसी चॉपिंग नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर हुई होगी। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि इन सभी वेजिटेबल चॉपर्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा या आप करंटली कौन सा वेजिटेबल चॉपर यूज कर रहे हैं। साथ ही में कमेंट करके मुझे ये भी जरूर बताइए कि इसी तरह आप कौन से किचन आइटम्स के रिव्यू देखना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में घंटी को जरूर बजाइए आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।